खाएंगे चलो। द्रोण के द्रोणाचार्य है क्या वो? द्रोण गुरु द्रोण वेरी फनी क्रैश। ओके गाइस ड्रोन 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 क्या ड्रोन शॉट स्टार्ट ड्रोन डुक 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 ऊपर जा दे कहीं नीचे रह गिर जाए पकड़ रहे हम घुमाया जाए। दूसरा दिन था आज हम जा रहे हैं एक रोड को रोड की तलाश में। एक्चुअली हमें पता चला था मामा ने बताया था कि यहाँ पे एक रोड है जो मतलब काफ़ी टाइम से बन रही है लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई किसी ना किसी रीज़न से। और पता नहीं रीज़न कुछ भी हो सकते हैं लेकिन गांव वालों का कहना है कि कभी कुछ हो जाता है कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कुछ। तो अभी देखते हैं कि अगर हमें वो रोड मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। ये हमारा ट्रैकिंग क्रू है ये क्रॉसिंग करता हुआ। चल चल चलो ऊपर चलते रहो चलते रहो बस चलते रहने का रुकने का नहीं यहाँ रास्ता निकले चलते रहो बस। रास्ता है नहीं लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा यार। पुराना रास्ता लग रहा है मेरे को भी काफी पुराना लग रहा है कोई आया नहीं है यहाँ तक। ये एक छोटा सा व्यू ये ऐसे रास्ते आपने बचपन में देखे होंगे जब आप कभी नानी के घर जाते थे दादी के घर जाते थे ऐसी पगडंडियों में जाना पड़ता था। गाइस वो है वो रोड क्या कर रही है? यस वो है वो रोड वो देखिए। आई थिंक हमें वो रोड दिखाई दी है लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। थोड़ा सर्च करते हैं हम इधर चलते हैं पहले यहाँ से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा। यहाँ पे जब 1971 में चाइना वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यहाँ पे एक मिसाइल गिरा था हिरोशिमा नागासाकी का लेकिन वो तो जापान में उसका एक शेल आके गिरा था यहाँ पे। मजाक कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ था ऐसा ये जस्ट खुदाई हुई थी जंगलात वाले मतलब फॉरेस्ट। गाइस हमें कुछ दिखाई दिया हमें एक रास्ता मिला है एक रास्ता दिखाई दिया हमें देखो हम वहाँ पहुँचते हैं। अगर अब मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से जूम करो तो यहाँ से ऐसे एक रास्ता दिख रहा हूँ एक रास्ता ये भी है हम इसको फॉलो करेंगे। फॉलो करते हुए आओ मेरे पीछे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। लेट्स सी चलो चलते हैं और अगर हमें वो रोड मिल गई तो मतलब मना करा हमें जाने के लिए लेकिन हम देखेंगे जरूर। वी आर एक्साइटेड बहुत चुभ नहीं है हां बड़ा चुभ नहीं रहे मेरे सिलार पे तो कांटे लग गए यार। और बताओ बताओ अच्छा हमें एक और गाइस देखो सेफ्टी के लिए यहाँ भी लॉक लगाया है आप अंदर नहीं सारे मतलब हमें आने की इजाजत ही नहीं है सरकार द्वारा। आपको एक बोर्ड भी दिखाई दिया होगा नीचे नीचे लोगों ने फेंक दिया वो बोर्ड पास फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलो अरे इसको लो ये है ये बेटा ओ माय कमरे उल्लू उल्लू जूम जूम करो अभी तो पेड़ ही रखा है संतरे हैं क्या उस पेड़ में एक सेकंड ये रहा ये रहा ये रहा यहाँ से ज़्यादा साफ है उल्लू भाई यहाँ से ज़्यादा साफ है उल्लू कोई नहीं उल्लू ही तो है ऐसे उल्लू बहुत देखे हम। दिस इज द रोड
एज यू कैन सी ये कंप्लीट नहीं हो पाई है, और हम देखते हैं कहाँ तक, कहाँ पे इसका काम रुका है। तो आप पॉलिटिक्स, हाँ अब बताइए। जैसे आप देख सकते हैं आगे, ये ऐसे यहाँ पे पेड़ गिर जाते थे अपना आप ही बिना काम किए हुए, जिसकी वजह से काम कभी पूरा नहीं हो पाया। ये एक रहस्य है जिसकी अब हम अवहेलना करेंगे। ये टूटा हुआ पेड़ है, रास्ता बैंडेड है, वो देखिए। और ये देखिए, इस रोड को बहुत बढ़िया रोड होना चाहिए था, क्या खर्च बजा भाई। देखिए ये पेड़ देख रहे हैं आप, ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, इसमें टूटने के निशान भी नहीं मिलेंगे आपको। ये कैसा टूटा आपको पता ही नहीं लगेगा। हमारी भी दिखाइए, दिख रही है, दिखाओ कैमरा टैन करके दिखाएंगे, पैन करके दिखाएंगे। यार सर ये देखो, हमने साफ कर दिया ये दाने, अपने दिखाओ भाईजी। ये देखो कुरमर है, तुम दिखाओ मेरे, ये ज्यादा नहीं, मैं रास्ते में साफ कर देते, तुम दिखाओ, मत कैमरा पकड़ो मेरे से दिखाओ। ये देखो हमने रास्ते में झाड़ दिए, ये बहुत जहरीले कांटे होते हैं, अगर इनको टाइम से ना निकाला जाए तो ये कपड़ा भी खराब कर देते हैं। अगर 15 मिनट के अंदर हमने ये ना निकाले तो हमारी सडन डेथ भी हो सकती है। गाइस ये भी एक रीजन है कि ये रोड कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मजदूरों के कपड़ों में लग जाते थे, उनको ये बात नहीं पता होती थी और बीमार हो जाते थे। आगे आप खुद समझदार हैं, देखते रहिए आज तक, और मिलते हैं आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बिजली के खंभे, ये वायर, हाँ सर्दियों में, इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हवा में नमी बढ़ जाती थी तब वो नमी इन तारों से टकरा के आवाज बना देती है। अब हम मेन रोड के बहुत करीब हैं, आप देख सकते हैं हमने कितना लंबा डिस्टेंस वो रहा, देखिए टूटा पेड़, फिर वहाँ से हम आगे घूमते हुए वो चढ़ाई क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। खुशबू को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना चल गई है, शक्ल दिखाई खुशबू की, जूंगी जूं। बिल्कुल नहीं हो रहा कि हम इतना चल चुके हैं, ओवर एक्टिंग करती है थोड़ा बहुत, इग्नोर कीजिएगा। आइए चलो चलो। और मैं खाता, हाँ मैं तारों की वैसे साइंस भी चला, तो कई बार बारिश के मौसम में ना जब हवा में नमी, जब हवा में काफी नमी फैल जाती है, तब इन तारों से करंट डायरेक्ट पेड़ों पे गिरता है, समझ रहे हो ना, हाँ वेरी गुड, तब शायद ये पेड़ टूट सकता है, ऐसा मुझे कहा था मेरे चाचा जी ने। अमन दिखाओ छिपकली पोस्ट, देखिए आया, बिल्कुल छिपकली जैसे लग रहे होंगे आपको। आया लेकिन मजा नहीं आया, एकदम एक्सपर्ट है। आज आप देख सकते हैं, कल भी देख लेंगे, अगर आपको कभी आना हो तो मैं आपको यहाँ का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देना चाहेंगे अगर आप यहाँ होगा। देखिएगा इस पीछे का व्यू, अब मैं कहूँगा कैमरे को रिवर्स करके अगर आपको दिखाया जाए तो बहुत बढ़िया व्यू। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस यहाँ पे हाई एक्सटेंशन वायर हैं बहुत सारी, अगर आप देखेंगे, मैंने कहानी सुना दी इनकी, मैं तो दिखा रहा हूँ कहानी नहीं सुना रहा हूँ। अच्छा, और वो जो सामने गांव दिख रहा है वो कहलाता है सुमाड़ी, उस गांव के पास है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुमाड़ी। ठीक है, आइए गाइस आप फॉलो कीजिए। नीचे देखो शेर है, मतलब यहाँ पे लोगों के कलेक्टिव फार्म्स होते हैं जिनमें लोग खेती बाड़ी करते हैं और रेगुलर बेसिस पे लोग खाते कमाते हैं। गाइस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आग लगाने, ये पिंडलू है, ये आग लगाने के बहुत काम। गाइस गाइस वो तो छोड़ो, ये जो रोड बनाई है ये बनाई है टिचकुले ने, टिचकुले एंड टिचकुले, टिचकुले नहीं का कॉन्ट्रैक्टर, टट्टी टट्टी नहीं बोलते, लेटरिंग बोलते हैं, तुम दिल्ली से आए हो, सॉरी आगे से बता देना, बता देना बता देना, और क्या क्या बताओगे आप इस वीडियो में, और क्या क्या बताऊंगे गाड़ी देखो क्या होने वाला है यहां से, वीडियो टर्न है आगे का, चलिए देखिए आपने बेसमेंट करा होगा आप याद होगा, तो अभी ये लोग बेसमेंट से निकले नहीं है, इन लोग बेसमेंट चल रहा है अभी 40 साल में बेसमेंट चलेगी, हां कोई नहीं, तो गाइस हम आपको दिखाने चाहेंगे अपने पेरेंट्स का स्कूल। वाओ देखिए गाइस एकदम, मैं आपको एकदम सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूं, देखिए गाइस इट्स अमेजिंग। बोर्ड दिखाना चाहूंगा आपको, और इस बोर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा,
अमन के पिताजी मिस्टर धर्मेंद्र सिंह बिष्ट, हमारी माता जी श्रीमती दुर्गा देवी इसी स्कूल से पढ़े हैं। पास आउट है। पूरा स्कूल का व्यू है। वाओ गाइस, ये गाड़ी है जिसकी गंडोली बज रही है। किसकी गाड़ी होगी ये? किसी न किसी की गाड़ी। ओहो, रेड गाय, व्हाइट गाय, ब्लैक भी। और ये गाइस, ये गाय है, मैं आपको एक मिनट डिफरेंस बताऊंगा। गाइस प्लीज बी सीरियस, ये गाय है क्योंकि गाय है ये, और एग्रेसिव है ये जो है, ये है बोर्ड। उसका बच्चा है। ये बोर्ड है मतलब छोटा बैल है। और गाय आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, हालांकि ये नीचे है लेकिन ये जनरल गायों से बहुत छोटी गाय है। एक्सक्यूज मी, मेल है फीमेल? ही इज अ मेल। दो गायें और हैं छोटी छोटी, हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्योंकि इसके सर पे लगते हुए। गाय बहुत प्यार से पली हुई है, कितनी क्यूट लग रही है, देखिए क्यूटनेस टपक रही है। गाय आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की गायें कितनी छोटी होती हैं, और ये मारने भी आ सकती है लेकिन अभी थोड़ा डर रही है। कोई नहीं, आगे चलते हैं, आगे का व्यू देखते हैं। मेरी भिंडी किधर है? चलो चलते रहेंगे। ओ भाई, बेंच वहां पर, हां बेंच बैठने। एक हॉर ग्रेट व्यू आने वाला है, और हमारी संवाददाता खुशबू बताएंगी। खुशबू कुछ बताना इस इलाके के बारे में। बताना चाहूंगी, वहां से पूरा सीन देख सकते हैं, बहुत सारे गांव देख सकते हैं, पूरा गांव देख सकते हैं, पूरा गांव देख सकते हैं। आओ दिखाते हैं आपको। वो देखिए आगे काले कपड़ों में बैल जाता हुआ। ओरे सॉरी भैया, हटा जो सीट का बेड कहते हैं इसे हिंदी में। और हमारे बूढ़ा जी आते हुए, ओह माय गॉड, ये बूढ़ा जी की गायें थी। बूढ़ा जी आते हुए, बूढ़ा जी आ गए, बूढ़ा जी की बकरी, बूढ़ा जी की गायें और बकरी। बूढ़ा जी प्रणाम। बूढ़ा जी नमस्ते। बूढ़ा जी प्रणाम। ना हम गए नहीं, गए मोनी मामा और गए। आप कहाँ से आ रहे हो? जंगल से। अच्छा, अब घर? सीधा घर। बहुत बढ़िया। वीडियो जी? हाँ ठीक है, बस घूमने की। हाँ ठीक है। ये रोड आप फिटनेस देख सकते हैं। ओह ये है गाइस, तो जो हमें खबरें मिली थी वो रोड अबेंडेड है या फिर जो भी है वो सब नकली थी। और गाँव, ये आप रोड देख सकते हैं, बड़ी प्यारी रोड बनाई है सरकार द्वारा। गाइस मैं द्रोण उड़ा रहा हूँ। आप पूरा व्यू दिखाएंगे हैं द्रोण को उड़ते हुए? पूरा व्यू, थोड़ा सिनेमैटिक ग्राफिक वाला व्यू दिखाते हैं। 50 बार बोल दिया, नहीं बोला जा रहा, सिनेमैटिक व्यू द्रोण से दिखाएंगे। चलो द्रोण के वेरी फनी क्रैश। ओके गाइस, ड्रोन शॉट स्टार्ट। डुक 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 ऊपर जा दे। कहीं नीचे रह गिर जाए, पकड़ रहे हम, घुमाया जाए पेन। चलो गाइस थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ। गाइस व्यू देख सकते हैं आप, ग्रीनरी और व्यू
ग्रीनरी और व्यू इक्वल्स टू सीनरी। हो सकता है गाइज आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे कल। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक एंड कमेंट। तो कंटिन्यू रहेगी नानी के घर की कहानी। बाय।